क्रिकेट की 146 इयर्स की हिस्ट्री के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ जो हो गया। जी हाँ, एंजेलो मैथ्यूज ने एक बॉल भी नहीं खेली और वो आउट हो गए। देखो श्रीलंका, आपको पता है कि अब वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन की दौड़ से बांग्लादेश तो 100% बाहर है, श्रीलंका भी आप समझेंगे 99 समथिंग व्हाटएवर यू कॉल इट वो भी बाहर है। इतिहास में पहली दफा 146 इयर्स की हिस्ट्री में पहली दफा भाई साहब क्या हुआ आपके सामने है, एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट हुए और इतिहास में पहली दफा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट है, आगे चल के बताऊंगा। श्रीलंकन क्रिकेट को आज फारिग कर दिया गया, उनके क्रिकेट बोर्ड को सैक कर दिया गया है। जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं रोशन राणा सिंघे, उन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट को आज बिल्कुल फारिग कर दिया। और रीज़न उन्होंने ये बताई है कि 55 रन पर जो ऑल आउट हो गई थी मुंबई में भारत के खिलाफ श्रीलंका की क्रिकेट टीम, तो मायूस कुन कारकर्दगी की वजह से श्रीलंकन क्रिकेट को फारिग कर दिया गया है। एंजेलो मैथ्यूज के साथ अगेंस्ट बांग्लादेश वो मैच खेले थे, उसके अंदर उनके साथ हुआ तो हुआ क्या कि क्रिकेट के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी प्लेयर को टाइम आउट करार दे दिया गया। जी हाँ, टाइम उन्होंने ज्यादा ले लिया, इसकी वजह से उनको आउट करार दे दिया गया। दर्द का निजाम इन एक्शन है और 9 तारीख को जो मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, अभी तक तो बेंगलुरु में 60% 70% 75% बारिश की इतलात है। तो लेट्स सी, अगर या तो वो मैच श्रीलंका जीत जाए तो पाकिस्तान के लिए बड़ा इजी हो जाएगा काम, और अगर बारिश की निगाह में हो जाता है मैच, एक एक पॉइंट भी चला जाता है तो भी पाकिस्तान के लिए बेहतरी हिसाब किताब हो जाएगा। एंजेलो मैथ्यूज के साथ अगेंस्ट बांग्लादेश वो मैच खेले थे, उसके अंदर उनके साथ हुआ तो हुआ क्या कि क्रिकेट के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी प्लेयर को टाइम आउट करार दे दिया गया। जी हाँ, टाइम उन्होंने ज्यादा ले लिया, इसकी वजह से उनको आउट करार दे दिया गया। अब डिस्पाइट द फैक्ट कि श्रीलंका को एक दाद देनी पड़ेगी कि जो बीच में कंट्रोवर्सी हो गई उसको वो पीछे छोड़ के वो अब अपनी स्कोर की तरफ आगे बढ़े। 280 यहाँ ओके स्कोर है इस स्कोर के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है, जिस तरह उनकी बैटिंग है वो भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्रिकेट खेल रही है, बहुत ही खतरनाक फॉर्म में है इंडिया। और ये सारी चीजें भी आप दिमाग में रखें, तो अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है सेमीफाइनल में, सो दे डोंट हैव अ चॉइस टू पिक क्या भाई किससे खेलना है किससे नहीं खेलना। और जैसे कि आपसे मैंने थोड़ा मौसम भाई ने कल परसों भी हमने बताया और फिर वो गवास्कर साहब ने कल उस पर स्टैंप भी लगा दी कि कोई भी ऐसी टीम नहीं है कि जो चाहे कि यार हमारा सेमीफाइनल जो है वो, आपको पता ही है कि एक टाइम लिमिट होती है, जब कोई खिलाड़ी आउट होता है तो एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम के अंदर आपको आना होता है क्रीज के अंदर, अपना स्टांस लेना होता है और फेस करना होता है बॉल को, जो कि 2 मिनट एक बुक के मुताबिक लॉ की बुक के मुताबिक टाइम है और 3 मिनट एक बुक के मुताबिक टाइम है, रूल की बुक के मुताबिक टाइम है। तो एंजेलो मैथ्यूज ने ज्यादा टाइम ले लिया। अब एंजेलो मैथ्यूज क्रीज के ऊपर खड़े हुए हैं, वो एक अलग हेलमेट पहनकर आ गए, या तो उनके हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया था, वो अनकंफर्टेबल थे, वो अपने हेलमेट को सही कर रहे थे। तो इसी के अंदर शाकिब उल हसन ने बड़ा सरस में जो कि अंपायर थे उनसे अपील कर दी, ये तो आउट है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आप सबको पता है, कंफ्यूजन क्रिकेट के लॉ के अंदर 2 मिनट और अगर प्लेइंग कंडीशन की 3 मिनट की कंफ्यूजन की बात हो रही है कि कौन सा टाइम किसको कहां देना था और कौन सा टाइम किधर दिया गया। देखें जी, मनकट से लोग मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको अब ऑफिशियली कहा जाता है रन आउट एट अ नॉन स्ट्राइकर एंड। इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है और उसको रोकना बहुत ही नामुमकिन, तो खैर क्रिकेट में कुछ भी नहीं होता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है उसको रोकना जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है। उनके खिलाफ अगर ऑस्ट्रेलिया आता है, साउथ अफ्रीका आपने कल देख लिया, हालांकि साउथ अफ्रीका कल मैच जो था वो टॉप 2 टीम्स के बीच में था अभी तक की, इंडिया और साउथ अफ्रीका, लेकिन जो कल हुआ वो आपके सामने ही, कोई मुकाबला नहीं है, कुछ भी नहीं। जो अंपायर थे वो हंस रहे आगे से, शाकिब भी हंस रहे, लेकिन अंपायर ने कहा शायद जिसको कहते हैं मजाक कर रहे कि शाकिब सीरियस थे, शाकिब कहते हैं ये आउट, हम अपील कर रहे हैं। अंपायर दूसरे अंपायर के पास गए, फिर थर्ड अंपायर के पास गए, फैसला हुआ, फैसला आता है आपके सामने आता है कि उसको आउट करार दे दिया जाता है। क्रिकेट के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हो जाता है। एंजेलो मैथ्यूज कहते हैं कि मेरी मजबूरी थी, हेलमेट का मसला था, लेकिन शाकिब उल हसन कहते हैं मैं क्या करूं, रूल इज द रूल, नहीं कर पाए वो। तो साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या अगर न्यूजीलैंड भी आती है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड या चलो अफगानिस्तान की भी रेस में है, अफगानिस्तान के 2 मैच हैं, तो कोई से भी अगर टीम आती है तो वो नहीं चाहेगी कि इंडिया का सामना करे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक एंटायरली अलग कॉन्सेप्ट है, इससे वो भी विद इन द रूल है जो आज हुआ, वो भी रूल के खिलाफ वर्जी नहीं है, वो है विद इन द रूल।
अब आगे चल के इसको डाइसेक्ट करते हैं। जो मेरा ओपिनियन है, मैं दोनों पिक्चर आपके सामने रखता हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट्स में रख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। बाद में जब आप लोग ये वीडियो अगर ऑफलाइन देख रहे हो तो सभी बता सकते हैं। तो बताइएगा जरूर कि आप लोग क्या सोचते हैं सारे मामला को लेकर। लेकिन दर हकीकत देखें, कहानी सिर्फ इतनी सी है कि है विद इन द रूल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी रूल की खिलाफ वर्जी की गई है। अंपायर का फैसला है तो वो अंपायर कहते थे आउट है। हालांकि अंपायर से अपील करने वाले शाकिबुल हसन थे और इसके ऊपर काफी सारे लोग इनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यही चीज देखें, रूल तो फिर रूल होता है। मैन कैट भी तो हुआ है ना इतनी दफा क्रिकेट के अंदर, वो भी तो एक रूल का हिस्सा है। हालांकि वो स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है लेकिन वो रूल का हिस्सा है। अब ये भी रूल का तो हिस्सा ही है, बैट्समैन को क्रीज के ऊपर आना चाहिए। आपको याद होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के अंदर विराट कोहली बार बार घड़ी को देख रहे थे और रिजवान अभी तक पहुंचे नहीं थे, बार बार घड़ी को देख के बता रहे थे कि ये लेट है, लेकिन उन्होंने भी अपील शपील नहीं की थी। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने कर दी शाकिबुल हसन। लेकिन रूल तो ये भी कहता है कि 2 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर आपने कान है, आपने क्रीज पे आ जाना है। एक बंदा क्रीज पे आता है और विजुअल्स, मुझे नहीं पता कि कौन किसके हक में है, कौन किसके हक में नहीं है, या मैं किस साइड हूं, वो भी आगे चल के जरा थोड़ी देर